जैन साथियों, आज हम बात करेंगे। अक्सर कुछ लोगों का सवाल यह होता है कि जब कोर्ट के द्वारा शादी डिजॉल्व हो जाती है, यानी कि डाइवोर्स जब कोर्ट के द्वारा मिल जाता है, तो उसके कितने दिनों बाद शादी दूसरी शादी कर सकते हैं। तो इसमें जो सेक्शन 15 है हिंदू मैरिज एक्ट 1955 का, वो इसकी बात करता है। उसके अंदर यह है कि शादी जब डिजॉल्व हो जाती है डाइवोर्स की डिग्री से, तो जब उसकी अपील का अधिकार पार्टी के पास नहीं होता, तो तब शादी कर सकते हैं उस डाइवोर्स के बाद, वह लीगल माना जाएगा, लॉफुल माना जाएगा। यदि अपील का अधिकार है, लेकिन जो अपील का अधिकार है जो उसका टाइम पीरियड है उसके अंदर अपील फाइल नहीं करी, वह टाइम निकल चुका है, तो उसके टाइम निकलने के बाद तब शादी कर सकते हैं, तब वह लॉफुल मानी जाएगी शादी। यदि अपील के अधिकार के अंदर जो टाइम पीरियड उसके अंदर अपील फाइल हो जाती है, तो हमें उसमें जो अपील जब डिसमिस हो जाती है तो उसके बाद शादी कर सकते हैं, तो वह लॉफुल मानी जाएगी। धन्यवाद।